बोलो बागेश्वर धाम की। पीला स्टॉल गले में डाले बहन जी आ जाओ। ओ आपकी बगल वाली माँ जी, इन्हीं की हिंदी आती है आपको? ये यहाँ बड़ी दिक्कत है, यहाँ एक ही बात पूछनी पड़ती है, हिंदी आती कि नहीं। सीताराम, क्योंकि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। लगाओ फोन। लग गया? वीडियो कॉल पे हैं क्या? उनसे कहो मुट्ठी बांधो, मोबाइल सामने रख लो। बहुत जाप करो, ठीक है? बैठे रहने, ठीक है? बैठिए, खुश रहो। नजदीक आ जाओ आप। कहाँ से हो यहाँ? बर्मिंघम। बोलो क्या बात है? मेरे एक लड़का है, वो बोलता नहीं, कह रहे मैं भी दिमाग के को इश्यू हो। आपको हिंदी कम आती है? हाँ जी, मैं पंजाबी बोलती हूँ। अच्छा जी, यहीं के हैं आप? हाँ जी, यहीं वर्ण। नज़दीक आ जाओ आप। क्या नाम है उसका? हिंदी समझ आती है? हाँ जी हाँ जी आती ना। हाँ जी, इसमें दो प्रश्न आए आपके हमारे परिचय में, जो हमें बालाजी ने आदेश दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया स्वास्थ्य से संबंधित है, तबीयत ठीक नहीं रहती, शरीर में असहनीय दर्द बनता है, पेट में पीड़ा बनती है, सिर में दिक्कत बनती, बालक को समस्या बनी हुई है, बालक का दिमाग कमज़ोर है एवं वह बोल वाक्य स्पष्ट नहीं है। खुलते तो हैं, बोलता है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन आपने कहा कि वो बोलता नहीं है, हमारे पर्चे में आया बोलता तो है, स्पष्ट नहीं है, ये दिक्कत है उसको। आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। ओके, अब समझ आ गया बराबर? और आपकी भी तबीयत ठीक रहेगी, बालक पर कृपा होगी। बालाजी ने चाहा तो 3 वर्ष में उसे पूर्ण लाभ हो जाएगा। अब इस मेरे आगो एक बच्चा हो, उसको भी इश्यू ऐसे हो सकती है ना? नहीं, जैसे सेहत मेरी भी नहीं ठीक रहती। ओ, आपके बारे में तो पहले नंबर पे ही हमने बोला ना, आपके लिए बोला है, तबीयत के बारे में जो बोला ना, तबीयत ठीक। 2 क्वेश्चन बताए, एक बताया तबीयत ठीक नहीं रहती, शरीर में दिक्कत बनती, दर्द बनता, पेट व शरीर सिर में पीड़ा बनती है, यही बोला ना अभी? ये आपका ही बोला है, ये क्वेश्चन आपका बोला। फिर सेकंड बोला हमने बेटे का, बेटे का दिमाग कमज़ोर है, वाक उसके स्पष्ट नहीं है, बोलता है पर स्पष्ट नहीं है, परेशान है, ये आपके। आप समझ आ गए बराबर? आपको एक हमने मंत्र लिखा, वो हिंदी में मंत्र आप वहाँ पूछ लीजिएगा, तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। अच्छा, आपको हिंदी आती है? 5 माला प्रतिदिन करनी है, और एक बार बालक को धाम पर लेकर के जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ तो हम अर्जी लगा सकते हैं, कृपा वहीं से होनी है। तो जब भी आप भारत जावें तो भारत में बागेश्वर धाम पहुँचें, आज से लाभ होना शुरू होगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आपकी तबीयत में आज से ही आराम लगेगा। आप बोलो ना, समझ आ रहा है ना? अच्छा, खुश रहो, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। कोई संदेह? बात पूरी समझ आई? कथा भी सुनो। हाँ जी। ओके, उसके बाद
बोलो श्री राम जय राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, गंगा मैया की, जिनकी आज अर्जी लग गई, जिन्हें उपाय नहीं कुछ बताया है, वो नहीं कल आएंगे, कल वो सीधे कथा में आएंगे। आज भी आएंगे, हाँ कल कथा में ही आएंगे, क्योंकि और लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जगह एकदम पर्याप्त। ये पर महाराज जी को दे दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक, हाँ खुश रहो, दोनों को आशीर्वाद, दोनों अच्छा आशीर्वाद। वो रिश्वत दी ना? नहीं नहीं वैसे, अच्छा वैसे ही वो कह रही थी, मम्मी आप जा रहे हो मेरे से जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं कोई बात, थैंक यू। दक्षिणा दी, फिर जॉब की बात की, हमें लगा रिश्वत आ गई।